हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉपकॉर्न शो। आज हम बात करेंगे 2021 में आई मूवी लास्ट नाइट इन सोहो। ये मूवी लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी और जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसने मुझे काफ़ी फैसिनेट किया था और तब से मैं इस मूवी के बारे में बात करना चाहता था। अगर तुम भी इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये वीडियो यहीं पर बंद करो, क्योंकि मैं आपके लिए इस मूवी को स्पॉइल नहीं करने वाला, और जाकर इसे अमेजोन प्राइम पर देखो अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवीज़ पसंद है तो। तो चलो हैवी स्पॉइलर वार्निंग के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग और मूवी को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके करेक्टर्स और लास्ट में एंडिंग थ्योरी के बारे में। स्टार्ट में हम इलियोइस को देखते हैं जो कि एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। वहीं हमें पता चलता है कि इलियोइस अपनी नानी के साथ रहती है और जब वह छोटी थी उसकी माँ मेंटली तौर पर बीमार थी और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसी वजह से इलियोइस की नानी उसे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए लंदन नहीं भेजना चाहती थी, पर इलियोइस उसे मना लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इलियोइस को अपनी माँ की शैडो मिरर में दिखाई पड़ती है, पर वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताती। और यह सारी मूवी का बेसिक प्लॉट है कि गोस्ट रियल में होते हैं या नहीं, क्या इलियोइस आत्माओं से बात कर सकती है और उन्हें देख सकती है। उसके बाद इलियोइस लंदन आ जाती है, पर वो वहाँ पर दूसरी लड़कियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, तो इसीलिए वो शहर में एक रूम अलग से रेंट पर लेती है जहाँ वो उसकी मकान मालकिन मिस कोलिन के साथ रहती है। मूवी के स्टार्ट में इलियोइस और हम ऑडियंस को नहीं पता होता कि वही सैंडी है, तो अब सवाल उठता है कि ये सैंडी है कौन। तो इसके लिए हमें हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट पर जाना होगा जहां हम मूवी के कुछ करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैक एक हरामी मानुस है जिसे हम आजकल ई बॉय, एफ बॉय और दल्ला भी बुलाएंगे तो गलत नहीं होगा, जो शहर में आई भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता है। सैंडी 1960s की एक टैलेंटेड यंग वूमेन थी जो कि सिंगर बनना चाहती थी, जिसे जैक अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है यह बोलकर कि वह उसे अच्छे क्लबों में ऑडिशन दिलवाएगा, पर लास्ट में वो बस एक साइड किक बनकर रह जाती है और जैक के जाल में फंस जाती है जो उसे प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल देता है। थ्रू आउट द मूवी हमारे मन में बस यही क्वेश्चन आता है कि सैंडी रियल है या फिर बस एक इलियोइस का ड्रीम है, और अगर वो सच में थी तो उसे किसने मारा, पर एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही होती है। सैंडी ने जैक को मारा था और जिसने भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी उन लोगों को भी सैंडी ने मार दिया था, पर अगर सैंडी अभी भी जिंदा है तो हमें इलियोइस के सपने में सैंडी क्यों दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी डेड पीपल होते हैं वो इलियोइस को डराना नहीं चाहते थे और उन्हें इंसाफ चाहिए था, तो इसके लिए वो इलियोइस को सैंडी की आंखों से वो 60s का दौर दिखाते हैं, क्योंकि इलियोइस और सैंडी में कुछ कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे, जैसे कि सैंडी भी लंदन बाहर से अपने सपने पूरे करने आई थी, वो एक सिंगर बनना चाहती थी, और इलियोइस भी लंदन में एक सपना लेकर आई थी जहां पर वो एक अच्छी डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इलियोइस जिस सैंडी को अपने ड्रीम में देखती है वह उसे अपनी इंस्पिरेशन मानती है और उसके जैसा ही बनना चाहती है, तो इसी के लिए वो उसे अपने फैशन डिज़ाइन में भी इंक्लूड करती है। पर धीरे धीरे इलियोइस को पता चलता है कि कैसे जैक ने उसका फ़ायदा उठाया और उसे एक गंदगी में धकेल दिया जहां से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी, और उसके बाद इलियोइस को गोश्त दिखाई देने लगते हैं जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी असर पड़ता है और वो पागलों जैसा बिहेव करने लगती है, और यही वजह होती है कि डेड पीपल उसे ये सब सैंडी की आंखों से दिखाना चाहते थे और उन्हें हेल्प की ज़रूरत थी। जब इलियोइस नेक्स्ट डे होटल में काम कर रही होती है तो उसे एक ओल्ड मैन मिलता है जिसे इलियोइस देखकर डर जाती है और वो सोचती है कि यही जैक है और इसी ने ही सैंडी का मर्डर किया है, और जब इलियोइस उससे भाग रही होती है तभी उस ओल्ड मैन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पता चलता है कि यह तो वो पुलिस ऑफिसर है जो सैंडी को वहां से बाहर निकालना चाहता था। मूवी के एंडिंग में इलियोइस इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या 60s के टाइम पर किसी सैंडी नाम की लड़की की मर्डर की रिपोर्ट फाइल हुई है या नहीं, पर उसे वहां पर पता चलता है कि उस बिल्डिंग में वैसा कुछ भी नहीं हुआ था।
उसके बाद मूवी में रिवील होता है कि मिस कोलिन ही सैंडी है और वो इलियोइस को पॉइजन देने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही घर में आग लग जाती है और इलियोइस का दोस्त जॉन भी वहाँ आ जाता है। और इलियोइस को फिर काफ़ी ही डेड पीपल दिखाई देने लगते हैं और वो चाहते हैं कि वो मिस कोलिन का मर्डर कर दे, पर इलियोइस ऐसा करने से मना कर देती है। और तभी ही मिस कोलिन वहाँ आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, और तभी मिस कोलिन को सारे गोश्त दिखाई देने लगते हैं। फिर मिस कोलिन और वो डेड लोग उसी घर में जलकर राख हो जाते हैं और इलियोइस और जॉन को फायरमैन्स बचा लेते हैं। मूवी के एंड में हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि इलियोइस अपने फैशन इवेंट कर रही है और वहाँ पर उसे मिरर में सैंडी की इमेज दिखाई देती है जो कि उसे एक फ्लाइंग किस करती है। तो क्या सैंडी अब गोश्ट बनकर इलियोइस को दिखने लगी है? इन माय ओपिनियन मूवीज़ में जितने भी गोश्त दिखाए गए हैं वो सब उसी एज में रहते हैं जिस टाइम पर वो मरे थे, लेकिन सैंडी हमें यंग दिखाई देती है पर वो मरी ओल्ड एज में थी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इलियोइस को फाइनली अपनी इंस्पिरेशन मिल चुकी थी जो कि वो सैंडी में देखती थी, एक यंग इंटेलिजेंट और इंस्पायरिंग वूमेन। और इलियोइस भी बिल्कुल वैसा ही बनना चाहती थी। तो जब वो वैसा बन जाती है तो उसे सैंडी उसी टाइम पर दिखाई देती है और वो दोनों काफ़ी ही खुश होते हैं। लाइक ये थे मेरे पूरे व्यूज़ इस मूवी के बारे में। ये काफ़ी अमेजिंग मूवी है और अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक आउट। और ऐसी ही और वीडियोस और मूवी डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। पीस आउट।